बीजेपी जो है ये मोदी सरकार किसानों के खिलाफ है, इनसे बचिए और इनसे दूर रहिए और धीरे धीरे आप देखेंगे इसका असर होना शुरू हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कैप्टन साहब टोल प्लाजे को चालू किया जाए। हम कहते हैं बीजेपी को, आप हरियाणा से जो खट्टर सरकार है वहाँ से टोल प्लाजा चालू कर दिखाओ, पंजाब की बात तो बाद में है। मेरा अपने नेताओं से निवेदन है, अब उसकी सवारी है और किसान की लातारी है और मोदी की बीमारी है और मारिया कल मारी है, दुखी नर और नारी है, ना कोई इनमें ब्रह्मचारी है ना कोई आज्ञाकारी है। इन्हे वोटा खातर फूट डाल दी, राम मंदिर बनवा लिया, मस्जिद तड़वा दी, हमने दोनों बराबर, हम हिंदू ने भी माना हम मुस्लिम ने भी माना। योगी दे अत्याचार, योगी जी सरकार दा ना जी ऐसे दंगे फसाद धर्म दे ना दे उते। किसानों को खालिस्तानी किसने कहा? बीजेपी ने। किसानों को पाकिस्तानी किसने कहा? बीजेपी ने। हम अपनी इनके लखनऊ में इनकी सरकार गिराएंगे। से बताओ जाति पे वोट पड़ेगा या मतलब मुद्दों पे? जी अब देखो वोट का सिस्टम तो मोदी को तो देनी नहीं, मोदी नहीं आने का, मुझे पनागढ़ तो वोट नहीं जाने की मोदी को, ठीक है नहीं। किसान इतने दिन तो वहाँ परेशान हो रही है, मांग नहीं मांग रहे। दर्शन पाल जी, चौकिंदर सिंह जी उभरा, अनकट मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हो रही है, हम उसी को कवर कर रहे हैं। इस महापंचायत को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा को बदल सकता है। उत्तर प्रदेश नहीं, इसके अलावा जो टोटल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उनकी दशा और दिशा बदल सकता है। इसके अलावा हम आपको एक और बात बता दें कि मुजफ्फरनगर जो है वो भारत की राजनीति को बदलने के मतलब रेडिकली पूरी तरीके से बदलने के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट शहर रहा है। पहले हम आपको किसानों से हुई अपनी बातचीत सुनाते हैं और बीच में आपको बताएंगे कि मुजफ्फरनगर जो है वो भारत की राजनीति को बदलने के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट क्यों और कैसे रहा। शौकत जी, जो आज का प्रोटेस्ट है कोर क्या है, उसका ध्येय क्या है, पर्पस? आज देश के उत्तर प्रदेश और देश के तमाम किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं और ये सरकार को संदेश दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तो ये भीड़ दिल्ली भी पहुंच सकती है, पीएम हाउस भी पहुंच सकती है, संसद भवन भी पहुंच सकती है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा भी पहुंच सकती है। एक साल से आप लोग यही बात कर रहे हैं ना, लेकिन सुन कहां रहे, साल पूरा हो गया। नहीं, कैसे नहीं सुन रहे हो, तो अभी 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनेगी तो हम वोट की चोट से सरकार को भगाने का काम करेंगे। अब उत्तर प्रदेश में भी नहीं, वोट सबसे बड़ा है, लोकतंत्र है, सत्ता में सरकार बैठी हुई है तो सर अहंकार नहीं। एक सवाल का जवाब देखिए, अभी अभी स्थानीय चुनाव हुए थे, स्थानीय चुनाव में आप लोग वोट की चोट दे पाए इन लोगों को? नहीं, स्थानीय चुनाव में आप देखे हैं लाठी और डंडों से चुनाव कराया गया है। आप बताइए देश में किसान क्या मांग रहा है? अगर एक चिप्स का पैकेट है 25 ग्राम का, अगर वो 10 रुपए में मिलता है तो उस पे MRP होती है। किसान चाह रहा है कि अगर मैं आलू या गेहूं और धान की उपज करूं तो उस पे मुझे मूल्यांकन मिलना चाहिए। 1920 रुपए रेट होता है गेहूं का, लेकिन किसान 1000 और 500 रुपए में बेचने पे मजबूर होता है। आखिर किसान क्या धरती और आसमान थोड़ी मांग रहा है? किसान क्या मांग रहा है कि जो हमारा हक है वो हमें हक चाहिए। पंजाब में सरदार जी, किसानों के पास वोट की चोट देने का जब मौका आएगा तो क्या ऑप्शन बचता है? वो एक बंगाल और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो फैसला करता है, देश की आजादी की लड़ाई है, सबसे मोरी होके मोरी भूमिका निभाई है, अभी भी एक साड़ी आर्थिकता की लड़ाई है। पंजाब और बंगाल जो है मोरी भूमिका निभाएगा, ममता बनर्जी सारे देश में घूमेंगी, पंजाब के किसान सारे देश में घूमेंगे, जहाँ जहाँ इलेक्शन होगी
वहाँ वहाँ बीजेपी के खिलाफ डट के विरोध करेंगे। ठीक, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं कि यूपी में प्रदर्शन हो रहा है, तो इसमें फिर दूसरे राज्यों के किसान क्यों हैं, उनको क्या जवाब देना चाहिए? मना ही है, मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसे लोगों को क्या जवाब देना? पूरा एक देश है, एक भारत है, एक हिंदुस्तान है। यूपी भी हमारी है, हरियाणा भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है। जब तक इस देश से बीजेपी आरएसएस जुंडली कारपोरेट घरानों की सरकार को यहाँ से केंद्र सरकार से नहीं फेंकेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। देख लो, ये मुट्ठी भर किसान है या पूरे देश का किसान है। जो इनका दरबारी पूंजीपति हैं, उनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं, किसान का दिवाला निकाला जा रहा है, कभी नोटबंदी करके, कभी तेल के कीमतें बढ़ा के, कभी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ा के, कभी खाद की कीमतें बढ़ा के। और आप बोले पंजाब में किसको वोट करेंगे, एक बात बताइए, वो सरकार को हम वोट करेंगे, उस पार्टी को हम वोट करेंगे जो किसानों के साथ खड़ा है। कौन खड़ा है? अरविंद केजरीवाल खड़े, कांग्रेस खड़ी है। आप बताइए, पंजाब के अंदर देश में कानून आया, किसानों को खालिस्तानी किसने कहा? बीजेपी ने। किसानों को पाकिस्तानी किसने कहा? बीजेपी ने। नहीं, ये तो दुनिया को पिछले एक साल में भारत को पिछले एक साल में समझ में आ गया कि किसानों का जो मुख्य विरोध है भाजपा से, ये क्लियर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश जैसा जो राज्य है या पंजाब जैसा राज्य है, उत्तराखंड है, ऐसे राज्यों में जब चुनाव होने जा रहा है तो एक कंसेंसस है, क्योंकि अब तो बिल्कुल मुहाने पे आके खड़ा है, बिल्कुल सामने खड़ा है चुनाव, तो कोई कंसेंसस है कि किस पार्टी की तरफ बढ़ेंगे किसान? देखिए, जिस जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, उस पार्टी को हम पूरे तरीके से मजबूती से वोट करके सत्ता में लाने का काम करेंगे। यहाँ तो समाजवादी पार्टी मजबूत दिख रही है और पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है, दो पार्टी है, लेकिन बीजेपी को हम नहीं आने देंगे। मेरा सवाल ये है कि जो ये कह रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन से जो जाटों और मुसलमानों के बीच जो खाई आई थी 13 के दंगों के बाद, वो मिट जाएगी। बिल्कुल मिट गई। अब ये हमारे वीरा हो गया, भाई हो गया, और ये हमारे धर्म भाई राजस्थान के हिसाब से हो गया। अब हमने क्या, खून जो है, अगर दो थाली में एक पानी रख दो और एक खून रख दो, हाथ अगर ये मारोगे तो वो जमना ही है। बीजेपी सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है। बीजेपी सरकार को वोट दिया था, लेकिन मोदी सरकार आई है। इस मोदी सरकार ने इसे तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे और MSP पर कानून लाना पड़ेगा। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बातें तो आप लोग 9 महीने से बोल रही है ना, लेकिन सरकार में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ा है, क्या फर्क? बीजेपी सरकार में, पार्टी में, बीजेपी में जो भारतीय जनता पार्टी है उसके किन्ने विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, भाजपा विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं। भाजपा का कोई भी नेता ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना उत्तराखंड जा नहीं सकता। जे नरेंद्र तोमर बाहर निकलता है तो ओदा कराओ हुंदा है, जे खट्टर बाहर निकलता है तो ओदा कराओ हुंदा है। हम अब इनके लखनऊ में इनकी सरकार गिराए, मोदी और योगी को हम ये दिखाने आए हैं। क्या बोल रहा था वो, ये मुट्ठी भर किसान है? नहीं मोदी, ये तेरा बहम है, ये मुट्ठी भर किसान नहीं है, ये एक जन सैलाब है। हम तन उड़ा तो पूछा सका न, तो उड़ा तो हम तन घेर भी सका। हम वहाँ से उसको उखाड़ेंगे, उस कुर्सी से ही उठाएंगे और हमारे कृषि कानून वापस कराएंगे, MSP पर लिख मत लेंगे, गारंटी लेंगे और तब यहाँ से उठेंगे। मैं वही आपसे पूछ रहा था कि जब वोट देने जाता है आदमी, वोट देने, तो उसको मुद्दा याद रहता है क्या किसानों का? मुझे कोविड हुआ था, कोविड अभी दूसरी लहर में, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, है ना, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था। आपको लगता है लोग सब भूल जाते हैं और फिर मतलब ऐसे जाति में फंस के, धर्म में फंस के वोट देते हैं? बिल्कुल, इन्होंने वोट के लिए जाति में बांट दिया, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम मानव हैं, हम इंसानियत का धर्म है, ये हम इंसान हैं और सबसे बड़ा धर्म मानवता का है। मुजफ्फरनगर वो शहर है जहाँ पे 6 विधानसभा की सीटें हैं। अब हम ना आंकड़ों से आपको समझाते हैं कि ये शहर कैसे इम्पोर्टेंट है और ये जो किसानों का आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के नतीजों को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। 2012 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके पहले ये 6 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जाती थी, उसके पहले भाजपा यहाँ पे काफ़ी कमज़ोर थी। 2013 में मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ, 2 समुदायों के बीच हुए इस दंगे ने जो वेस्टर्न यूपी है वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स बदल के रख दी। वो इस तरीके से बदली कि यहाँ पे जाट और मुस्लिम जो
वो एक एक यूनिटी के तौर पे वोट करते थे और वो जिधर जाते थे उनके एक तरीके से कैसे बोलूं, कम से कम इस रीजन में उनका बोलबाला होता था। लेकिन 2013 के दंगों ने जाटों और मुसलमानों के बीच में एक खाई ला दी और उस खाई के आने के बाद हुआ ये कि 2017 के जो चुनाव हुए जिसमें योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस चुनाव में 6 की 6 सीटें भाजपा के पास चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि जो 2013 है वो कैसे एक वाटरशेड मोमेंट के तौर पे प्रूव हुआ मुजफ्फरनगर में, वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स में, पूरे यूपी के पॉलिटिक्स में। क्योंकि 2013 के बाद जो जो चुनाव हुए, जैसे 2014 का आम चुनाव ले लीजिए, 17 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, 19 का आम चुनाव ले लीजिए, इन सब में बीजेपी को प्रचंड बहुमत और बहुत ज़्यादा सीटें मिली। लेकिन जो किसान आंदोलन है जिसके साल पूरा होने आया है उसके बाद ऐसा लगता है, जैसे एक बात ये कही जा रही है कि जाटों में इस बात का रिग्रेट है कि ऐसे दंगे हुए। और आपने बहुत सारे बयान देखे होंगे जिसमें आपने ये सुना होगा कि उन्होंने बोला कि उनको दंगों में मिसयूज़ कर लिया गया, नेताओं ने उनको मिसयूज़ कर लिया। तो इस तरीके की जो महापंचायतें हैं, जो किसान आंदोलन है, उससे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है 80 लोकसभा और 403 विधानसभा सीटों वाली, उसके बदलने की क्या बोले संभावना है और उससे देश की राजनीति बदलने की भी पूरी पॉसिबिलिटी है। बात बताइए, जो दंगा हुआ था दंगे के पहले जो 6 सीटें थी वो SP BSP के पास थी, उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ सारी सीटें आगे बीजेपी। जी जी जी, 19 के चुनाव में भी बोल रहे थे कि बीजेपी सबसे नाराज है, सारी सीटें तो बीजेपी जीत गई। देखो जी, बीजेपी की बात ऐसी, वो तो मनो की बात है, अगर अखिलेश पर देंगे वोट तो थोड़ी सी अपनी वो नीचे जाएगी, मोदी को देंगे वोट, अगर मोदी को जिता दिया तो हमारी सुनता नहीं। तो अखिलेश या मायावती कौन सुनेगा? भाभी तो अखिलेश ही जी, अखिलेश को देंगे वोट। चोट कैसे लगी? ये जो पीछे करनाल में लाठीचार्ज हुआ था उसमें मेरी बांह फ्रैक्चर हो गई और 12 टांके आए हैं हाथ में और सारे शरीर में चोट है, डंडे जो पुलिस वालों ने बेरहमी से हमारे को मारे। तो ये क्या कर रखे? भगत सिंह। वजन नहीं आ रहा इस पे, वजन नहीं आ रहा इसका, परेशानी नहीं होती इतना लड़का? परेशानी क्या होती है, परेशानी तो हम मानते ही नहीं। अब जो सरकार ने परेशानी दी थी उस टोल पे, खटखट टोल पे, हम उसको इसको जगाने के लिए आए हैं कि हम भगत सिंह आज भी जिंदा है। चुनाव आएगा तो लोगों को गांधीवाद याद होगा या हिंदू मुसलमान और जातिवाद याद होगा? क्योंकि ये किसान है, किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता। हर मुस्लिम देखो किसान है, पंजाबी सिख देखो किसान है, इस्लाम देखो किसान है, हिंदू देखो किसान है। किसान का कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती। हमने किसी धर्म के वो कायम मनाना नहीं, तो मैं कह रहा हूँ कि जब ये वोट देने जाएंगे अगले चुनाव में तो ये सब याद रहेगा। ये लड़ाएंगे राजनीति वाले, लेकिन याद रहेगा, हमें याद रहेगा। जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में गए और वहाँ के लोगों को, किसानों को कहा कि ये आपके हितैषी नहीं है, आपके खिलाफ है, उसी तरीके से आज मुजफ्फरनगर में शुरुआत हुई है कि ये बीजेपी जो है ये मोदी सरकार किसानों के खिलाफ है, इनसे बचिए और इनसे दूर रहिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे इसका असर होना शुरू हो जाएगा। तो पूरा मामला एंटी बीजेपी रहेगा, ये नहीं बताएंगे कि किसको वोट करना है, ये लोग खुद तय करेंगे। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब लोग भाई भाई हैं और एक साथ हैं, और ये यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको मुसलमान सारी कम्युनिटीज से लोग मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये कि मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई, वोटिंग बूथ पे जब हम लोग जाते हैं, जो मतलब योगेंद्र यादव कहते हैं अंगूठा याद रखना कहाँ दबाना, आपको नहीं लगता कि हम धर्म और जाति में बढ़ जाते हैं और ये जो किसान हैं वो जब वोट डालने जाएंगे तो एक खतरा बना रहेगा वो आइडेंटिटी बेस्ड डिवीजन का? आज तो ये किसान है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, और इन्होंने सबसे बड़ा अपना धर्म जो है किसानी, जमीन से जुड़े हुए हैं वो ही है, और उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर ये जाएंगे तो वोटिंग ये उसी को देंगे। राजनीति को आज आप लोगों की ताकत।
नाम क्या आपका? मैं अंदर पुनिया। ये जो सर है ये हरियाणा वाले मामले में फूटा था, हाँ, क्या हुआ तो उस दिन हुआ क्या था, क्या कर रहे थे कि लाठी मार दी? बैठे लाठी चलाई जी बैठे ठीक, कोई रोला नहीं था, रोला नहीं कर रहे थे, बैठे देख देंगे। 9 महीने से शांतिपूर्ण वहाँ पे हम धरना दे रहे हैं और पुलिस ने बड़ी प्लान से बड़ी बर्बरता से, ये मेरे कजन ब्रदर हैं दोनों भाइयों को बड़ी, हाँ जी हाँ हाँ, मैं महेश पुनिया हूँ, तो बड़ी बर्बरता से अत्याचार सरकार ने किया है किसानों पे वहाँ पे लाठीचार्ज। उस दिन वो कह रहे थे कि आप लोग बैरिकेड तोड़ रहे हैं, बैरिकेड थान रहे थे, ये सही बात है? किसी ने कुछ नहीं तोड़ा, ये सब झूठी बातें हैं। एक बार ये बोल रहे हैं उन्होंने परिप्लान ऐसा किया है, एसडीएम के ऑर्डर थे कि इनके सिर फोड़ो, इन्होंने बहुत परेशान कर रखे इतने दिन। हाँ जी, कितने टांके हैं? 9। तो मतलब अभी चोट ठीक है, दर्द होता है, कैसा हाल है? दर्द तो है। तो क्या कर रहे थे आप लोग उन लोगों को लड़ चलाना? भाई जो है सरकार का धरना था, किसान का, किसानों का धरना था, अब आगे लड़ो जाना चालू कर दिया पुलिस ने, किसान के बारे में कुछ देखा नहीं जा रहा, किसान बहुत दुखी है, इनके बिजली का बिल बढ़ेगा, बिजली का बिल 12 का। तो अब भी जैसे सुन नहीं रही सरकार, तो क्या करोगे भाई? कर रहे जो देखो सरकार के लिए कर रहे हो, एक साल से कर रहे हो? हाँ, एक साल से कर रहे हो, नहीं सुन रही सरकार, तो कुछ और सोचे हैं? बता दे कि सन 2022 में क्या करेंगे, कहाँ से आए, कहाँ से हम? मुजफ्फरनगर जिले के भाई। हाँ, तो जो ये किसानों की महापंचायत थी मुजफ्फरनगर में, उसकी सेवा समाप्त हो गई है, तो 3-4-5 पॉइंट्स में इसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो पहली चीज़ तो ये हुई है कि जिन भी लोगों के जहन में ये सवाल था कि आखिर किसान आंदोलन में क्या हुआ और बॉर्डरों पर मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं, तो पीछे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है कि अब ग्राउंड खाली है, हमने ग्राउंड भरे का भी विजुअल बनाया है आपने स्टोरी में, देखा होगा, इस विजुअल से इतना तो साफ है कि जो ये आंदोलन है वो बॉर्डर तक सीमित था, लेकिन इस महापंचायत से रिवाइव हो गया और घनघोर तरीके से रिवाइव हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इलेक्शंस आने वाले हैं उस पर इसके इम्पैक्ट की चर्चा हो रही है, तो हमने जिन नेताओं से बात की, लोगों से बात की, उनसे बात करके एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो रही है कि किसानों का गुस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को लेके है, उनके जो सपोर्टर्स आए तो उनके साथ भी यही हाल है, तो एक कंसेंसस है कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, चाहे किसी को भी दे दो। और बार बार ना बंगाल, आपने स्टोरी में सुना होगा, बंगाल का एग्जांपल दे रहे हैं कि हमने जो बंगाल में किया वही यूपी समेत 5 राज्यों में रिपीट करेंगे। एक और पॉइंट है कि मुजफ्फरनगर में 13 के दंगे वाली जो हमने बात की, पूरी राजनीति न सिर्फ शहर की, यहाँ की 6 विधानसभा सीटों की, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की, बल्कि पूरे देश की जो राजनीति बदली, उसमें एक डिवीजन की जो हमने बात बताई थी कि जाट और मुसलमानों के बीच में आ गई थी, तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा हमने काफी सारे लोगों से बात की और वो यही कह रहे हैं कि वो डिवीजन मिटा है, देखने वाली बात होगी कि जब वो वोट देने जाते हैं तो कैसे ट्रांसलेट होता है कि जो कास्ट का लाइन है, जो रिलीजन का लाइन है, वो उनको डिवाइड करता है या नहीं करता। पंजाब से जितने मोटा मोटी यही बातें हैं और सितंबर के एंड में इन्होंने एक क्या कहते हैं भारत बंद का कॉल दिया है और ये भी बताया कि उनकी स्ट्रेटजी यही होगी कि ये जो पंचायतें हैं वो आने वाले चुनाव तक कॉन्टिन्यूसली चलती रहें और तब तक चलें तब तक जब तक सरकार प्रेशराइज होके वो जो 3 कृषि कानून हैं उनको वापस मत ले लें। उम्मीद है कि हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज से आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि इस महापंचायत में क्या हुआ, इसका यूपी के इलेक्शन पे क्या असर होगा। हम इसी तरीके से ग्राउंड से आपके लिए जो ये इलेक्शन है, ऐसे पॉलिटिकल सोशल इवेंट्स है, वो कवर करते रहेंगे। अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हमसे एंगेज करिए, इस स्टोरी को लाइक करिए, इसको प्लीज शेयर करिए ताकि हमें अच्छा काम करने का इंकरेजमेंट मिले, सब्सक्राइब करिए हमें प्लीज ताकि हम अगेन इस अच्छे काम को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, हम आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाते हैं, आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।